See, the third activity we have in our cash flow statement, that is what we call financing activities. It is the change in the size and composition of capital structure of the company. So those activities or transactions which result in change in the size and composition. Size means unka badhna ya kam hona, or composition means that can be the owner's equity or that can be your borrowed funds. Capital structure ab hum business studies mein kar rahe hain, that is proportion of debt and equity in the total capital employed of the company. Agar un contents mein koi change aata hai, to hum log use yahan pe lenge. So I wrote for you here, issue of share capital. Aam taur pe share capital badhegi question mein ya same rahegi. Equity share capital mein hum log kabhi bhi redemption nahi dikhate, because it is never being redeemed throughout the life of the company. But preference shares can get redeemed. So share capital mein अगर आप नए इक्विटी इशू करते हो या नए प्रेफरेंस इशू करते हो, यू विल बी राइटिंग इट इन दिस एक्टिविटी. देन इफ यू आर रिडीमिंग योर प्रेफरेंस शेयर्स, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपके प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख के हो और एंड में 3.5 लाख के हो गए. सो इट इज अ हिंट, यू विल ऑलवेज बी कंपेयरिंग द ओपनिंग बैलेंस विद द क्लोजिंग बैलेंस. ठीक है, इफ इट इज रिड्यूसिंग, इट मीन्स कि आपने रिडीम कर दिए हैं, आपने उनका पैसा उन्हें वापस कर दिया. सिमिलरली रिडेम्पशन एज वेल एज इशू ऑफ डिबेंचर्स, अगर आप नए डिबेंचर्स इशू करते हो तो वो इनफ्लो ऑफ कैश होगा, अगर वो कम हो रहे हैं मींस आपने रिडीम करे हैं तो वो आउटफ्लो ऑफ कैश होगा. सिमिलरली रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन और रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, जब आपका लोन कम हो रहा है क्वेश्चन में मींस आपने रीपे कर दिया, जब वो लोन बढ़ रहा है तो मींस रेजिंग ऑफ लोन है. सो रेजिंग ऑफ लोन विल बी इनफ्लो ऑफ द कैश एंड रीपेमेंट ऑफ लोन विल बी द आउटफ्लो ऑफ कैश. लाइक दैट वे यू हैव टू थिंक. सिमिलरली मैंने बोला था कि बैंक ओवरड्राफ्ट, दो इट इज अ करंट लायबिलिटी एंड कैश क्रेडिट इज आर करंट लायबिलिटी, बट वी नेवर टेक इनटू कंसीडरेशन इन योर वर्किंग कैपिटल चेंजेस बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अस. सो व्हेनेवर बैंक ओवरड्राफ्ट गेट्स रिड्यूस्ड, दैट विल बी आउटफ्लो ऑफ कैश, एंड व्हेनेवर इट इंक्रीजेस, दैट इज इनफ्लो ऑफ कैश. सेम इज विद व्हाट, कैश क्रेडिट. सो दीज आर, और मेन जो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड और लोन पेड. सिमिलरली डिविडेंड पेड, तो डिविडेंड कितना सारा हम लोगों ने किया था, इट मे बी इंटरिम डिविडेंड, इट मे बी योर प्रपोज्ड डिविडेंड, सो दैट वी कंसीडर इट एज एप्रोप्रिएशंस इन आवर ऑपरेटिंग एक्टिविटी. वहां पे हमने एड बैक किया था प्रॉफिट में, नाउ वी विल बी डिडक्टिंग इट एंड वी विल बी शोइंग इट आर आउटफ्लो ऑफ कैश. सो वेरी इजी फाइनेंसिंग एक्टिविटी व्हेन आई कंपेयर इट विद माय इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी. वी विल अगेन बी डूइंग द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन इलस्ट्रेशंस, यू कैन सी योरसेल्फ. बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन पे आइए जल्दी से, कैश फ्लो के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन रिलेटेड टू योर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, लेट्स डू दैट. इन्वेस्टिंग के मैक्सिमम हम लोगों ने कर लिए थे उस दिन, सो नाउ वी हैव फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वेयर इट इज. यस, सी 32nd क्वेश्चन फ्रॉम योर बैक एक्सरसाइज. 32nd क्वेश्चन, इट्स ऑन पेज नंबर 5.103. 32nd question from the back exercise related to financing activities. Read it. Balance sheet में maximum items होती क्या हैं? Let me tell you once again. Balance sheet में current assets होते हैं, वो हम लोगों ने operating activity में consider कर लिया. Balance sheet में non-current assets होते हैं, वो हम लोगों ने investing activity में consider कर लिया. Balance sheet में reserves and surplus होते हैं, वो हमारे operating activity में आ जाते हैं. और रह क्या गया था हमारे पास, equity and debentures, that is non-current liability and shareholder funds. Shareholder funds में भी reserve मैंने ऊपर treat कर लिए थे और equity and preference I am going to treat here. So each and every item of my given balance sheet, I am treating that item somewhere, either that are the part of operating or investing or financing. So let's read 32nd question. Question number 32nd, page number 5.103. Now next two periods we have 5th and 6th. 5th will be of business studies and 6th period will be a repeated period of your accountancy, right? Financing activity aap sari khatam karke lengthy question start karenge. So we have in the question long term loan. Long term loan starting में 2 लाख है, पहला कॉलम प्रीवियस का है. मैं सबसे पहले ऊपर डेट देखती हूँ, then I announce it. ठीक है, कि फर्स्ट कॉलम कौन सा है. फर्स्ट कॉलम इज ऑफ प्रीवियस ईयर गिवन इन द क्वेश्चन एंड सेकेंड इज ऑफ करंट ईयर. और मैंने आपको कल सुजेस्ट किया था, वेन एवर वी हैव एन एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू एनी आइटम ऑफ द बैलेंस शीट, प्रेफर टू प्रिपेयर इट्स लेजर अकाउंट. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लोन का अकाउंट बनाऊंगी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर. नीचे उसने भी बनाया, लेट्स सी.
लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट. लोन बिंग अ लाइबिलिटी, इसका ओपनिंग बैलेंस बाय वाली साइड पे होगा. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 2 लाख. टू बैलेंस कैरी डाउन, दैट इज 2,50,000. बच्चों अगर नीचे एडजस्टमेंट ना होती तो मैं आपको ये सजेस्ट करती कि बिगिनिंग में लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख है, एंड में 2,50,000 हो गया. इट मीन्स कि 50,000 का लोन रेज किया है, तो आप इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो दिखाते हो, क्वेश्चन खत्म हो जाता. ठीक है ना. इफ इट इज एट बिगिनिंग 2 लाख एंड एट द एंड इट बिकम्स 2,50,000, वी ऑलवेज टेक द डिफरेंस एज माय लॉन्ग टर्म लोन इज इंक्रीजिंग, सो इट इज गोइंग टू बी माय इनफ्लो ऑफ कैश. लेकिन उसने नीचे कुछ लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने इस 2 लाख में से 1 लाख रीपे कर दिया. रीपेमेंट की एंट्री क्या होगी? लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, हम बैंक को पैसे जमा करवाएंगे, दैट इज 1 लाख. नाउ वी विल बी फाइंडिंग आउट द बैलेंसिंग फिगर. सो 3.5 लाख इस साइड का टोटल, और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर 1.5 लाख आएगी. इट मीन्स की दैट यू रेस्ट विच यू रेस्ट ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज योर IF, विच यू पे ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज योर OF. तो ये आउटफ्लो है, ये इनफ्लो है. अब मेरे को इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाना है. ये मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनाई. आई ऑलवेज सजेस्ट यू कि पॉजिटिव फिगर्स पहले लिखना. तो क्या लिखेंगे? लोन रेस्ड. विच लोन? लॉन्ग टर्म लोन LTL रेस्ड. पॉजिटिव LTL पेड. नेगेटिव, देखो आंसर 50,000 है. So 50,000 will be your answer, and positive figure is greater than your negative figure. 50,000, you will be calling it cash generated in your financing activity. Cash generated from financing activity. So this is your answer. Done? 50,000 matching with the book. Very simple. He just put a single problem here. A liability ka naam usne diya, and that is going to be your financing activity. Let's proceed to the next. 33rd पे आइए. See on the same page we have 33rd question. पढ़िए उसमें कौन कौन सी आइटम्स हैं. हाँ ये स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, when in the question you have equity share capital and you have SPR also. SPR is not a new term for you. हमने शेयर कैपिटल के चैप्टर में किया होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. So security premium reserve जब कभी भी अपीयर करता है, beginning balance है, इसमें second column opening है, beginning balance है 250 and the closing balance is 60,000. We have a difference of 10,000. हम क्या मान के चलेंगे? इसकी treatment क्या होगी? That the new shares have been raised on premium. अब आप देखना equity share capital भी बड़ी होगी. Starting में 9 लाख है, end में 10 लाख है. It means कि आपने share capital raise करी है 1 लाख की, और वो 1 लाख की जो कैपिटल रेस करी है 10,000 प्रीमियम पे रेस करी है. तो आप जब शेयर कैपिटल लिखेंगे तो आप लिखेंगे शेयर कैपिटल रेस एट प्रीमियम. यू विल नॉट बी राइटिंग ओनली 1 लाख, यू विल बी राइटिंग 1,10,000. ठीक है, तो इसी को बढ़ा के लिखेंगे हम लोग. वैसे तो ट्रीटमेंट ये भी हो सकती है शेयर कैपिटल रेस 1 लाख, इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000, लेकिन लॉजिक नहीं जाता. सो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज ऑलवेज टू बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ योर इक्विटी शेयर कैपिटल. और क्या दे रखा है? डिबेंचर्स. स्टार्टिंग में कितने के थे? 1,50,000 के. एंड में कितने के हो गए? 1 लाख के. इट मीन्स कि आपने रिडीम करे हैं. सो ये 50,000 जो है ये आउटफ्लो आएगा, ये इनफ्लो आएगा, और ये भी इनफ्लो में एड होके लिखेंगे. आई विल नॉट बी राइटिंग द फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख, आई विल बी राइटिंग दैट अमाउंट विद फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम. तो 1,10,000 के इक्विटी शेयर. ओके, नीचे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है. अब बच्चे एक बात आप याद रखना, जो नीचे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दे रखा है दैट इज एन एडजस्टमेंट. और कल भी डिस्कस किया था, व्हेनेवर एडजस्टमेंट्स कम्स इन योर कैश फ्लो स्टेटमेंट दैट आर टू बी रिटन एट 2 प्लेसेस. 1, जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की मैं बात कर रही हूँ, 1, इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड इज टू बी एडेड इन योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी. यहाँ पे मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी करवा नहीं रही हूँ, लेकिन एक एडजस्टमेंट इसकी वहां पे आएगी. और सेकेंडली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज आउटफ्लो ऑफ योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 18,000 यहाँ पे आउटफ्लो भी बनेगा. लेट्स कैलकुलेट इट. कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम विच एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट? सो हियर वी गो विथ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. क्या लिखें? इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम. इश्यू ऑफ equity shares at
premium. So we are issuing equity shares of rupees 1 lakh face value 10,000 premium. I will be writing 1,10,000 positive पहले लिखेंगे, बाकी दोनों है ही negative. One is debentures redeem and another is interest on debentures paid. Debentures redeem. Debentures का कम होना means debenture redeem करे हैं. Debentures का बढ़ना means नए debentures issue करे हैं. Simple logic. ठीक. Debentures redeemed or redemption of debenture कुछ भी wording लिख सकते हो आप. 50,000 because it is an outflow. I am writing it in bracket. Then interest on debentures paid. Interest on debentures paid. That is 18,000. Again, I am writing it in bracket. So 110 में से 68,000 minus करिए. This is 2. देखो 42,000 answer है. And that is positive. Yes. क्या लिखेंगे? This figure is positive. These two figures are negative. So positive figure is greater than your negative figure. You will be writing 42,000. इसके आगे लिखेंगे क्या? Cash generated from which activities? Financing. तो third stage of the question. जब आपको 6 number या 5 number का sample paper में उसने डाला हुआ है, तो आपको तीन पहले step मैंने सिखा दिए. Firstly, calculate your operating activity. Market test number 1 और capital A. Then calculate your investing sequence में चलना है. Investing activity. Market test number 2 or B. And now we are proceeding towards our financing activity. Call it C, capital C or number 3. This is the third stage of the lengthy numerical we are doing today. 34th pe aajo. So many adjustments are there. We will be reading each. Pehle adjustment padhna. Jaise final account mein main sikhati thi. Pehle adjustment padho. Jis item se related adjustment hai. Us item ko tick lagao apni balance sheet pe. So same procedure I will be following in this question. See 34th question from the back exercise. Firstly, we will read each and every adjustment. And then we will be finding the items on which we have to adjust certain things which are given in the form of adjustments. 34th padho. Let's read. Pehli adjustment. Equity shares se related hai. जब उसकी ट्रीटमेंट करेंगे सिर्फ उसने एक डेट दे रखी है कि जो नए शेयर्स हैं हम लोगों ने 31 मार्च को क्या करे हैं इश्यू इट मींस कि करंट ईयर के एंड में ठीक है इंटरिम डिविडेंड यस अब ये डेट का देना क्यों जरूरी है जरा ध्यान से सुनो और मैंने किस लिए इसे कंसिडर करना है कि इज गिविंग यू इंटरिम डिविडेंड एंड दैट इंटरिम डिविडेंड ही इज कॉलिंग इट कि इक्विटी पे है जरा वर्किंग नोट्स देखना और वो इंटरिम डिविडेंड वैसे इंटरिम डिविडेंड इंक्लूड्स बोथ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस एज वेल एज ऑन इक्विटी क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर अलग से परसेंटेज लिखी है इट मींस कि उसका डिविडेंड हम लोगों से चाहता है कि मैं अलग से कैलकुलेट करूं और इंटरिम ऑन इक्विटी वो हमें सेपरेटली दे रहा है अब आपके पास दो तरह के बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस इसका 4 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस इक्विटी का 5.25 लाख है अब क्वेश्चन अराइज होता है क्या मैं इसके ऊपर डिविडेंड की परसेंटेज अप्लाई करूं कि इसके ऊपर करूं मेरे इस डाउट को रिमूव करने के लिए उसने एक डेट दे दी और आपको यहां पे देख के लग रहा होगा डिफरेंस कि 1,25,000 के मैंने इक्विटी शेयर्स नए रेज करे हैं आई एम राइट और उसने बोला कि जो नए रेज करे हैं वो मैंने साल के एंड में करे 1,25,000 आई रेज ऑन 31st March 2021 इट मींस कि एक दिन का तो उन्हें डिविडेंड नहीं मिलेगा बिगिनिंग में भी 4 लाख था एंड में भी 31 मार्च तक 4 लाख ही बैलेंस रहा So interim dividend I will be calculating on the opening balance because जो increase हुआ है that has become at the end of the year current year के end में हुआ है तो 1,25,000 के ऊपर आप उन्हें dividend नहीं दोगे एक दिन का dividend थोड़ी ना देंगे we will be calculating this percentage on 4 lakh 15% of 4 lakh so interim dividend comes to me 60,000 which is going to be my outflow याद रखेंगे और क्योंकि ये एडजस्टमेंट है ये दो जगह आनी है अगर मैं फुल फ्लेज क्वेश्चन कर रही होती तो ये इंटरिम डिविडेंड उठा के मैं ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड भी करती और यहाँ पे बिकॉज इट इज अ पेमेंट बिकॉज इट इज एन आउटफ्लो वी आर पेइंग इट टू आर इक्विटी शेयर होल्डर्स इट इज गोइंग टू बी डिडक्टेड बिकॉज इट इज माई आउटफ्लो सेकेंड एडजस्टमेंट पढ़ो सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड आर इंटरलेटेड वी कंसिडर बोथ द पॉइंट्स आगे चलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स पहले देखना प्रेफरेंस शेयर्स स्टार्टिंग में कितने थे 5,50,000 के स्टार्टिंग में प्रेफरेंस शेयर्स थे एंड में 4 लाख के हो गए अगर इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट ना लिखी होती व्हाट आई यूज्ड टू डू
150,000 के प्रेफरेंशियल मैंने रिडीम करे हैं, अगर कुछ ना नीचे लिखा होता, अभी मैंने वो पढ़ा नहीं है, अगर ना लिखा होता तो ये मेरी क्या होती, रिडेम्पशन होती, और ये रिडेम्पशन मेरा क्या बनता, आउटफ्लो बनता, राइट रुचिका। इफ डिविडेंड्स वर रेज्ड इन द मिडल ऑफ द ईयर देन, डिविडेंड्स नहीं डिबेंचर्स, फिर टाइम पीरियड वाइज लगेगा बेटे, मिडल है तो 6 महीने का लगेगा, ही विल बी टेलिंग यू द डेट एंड अकॉर्डिंगली वी विल बी कैलकुलेटिंग द डिविडेंड फॉर दैट मेनी मंथ्स ओनली, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, लाइक समटाइम्स ही विल बी रेजिंग द डिबेंचर्स और रिडीमिंग द डिबेंचर्स इन अक्टूबर और इन सेप्टेंबर, then we will be computing it on month basis, right? Good question otherwise. Oh, okay, done. So this is 150,000 if nothing is being mentioned. अब उसने कुछ लिखा है, कहता जो मैंने प्रेफरेंस शेयर्स ये 1.5 लाख के रिडीम करे हैं ना, साल के एंड में रिडीम करे हैं, और कितने परसेंट प्रीमियम पे, ये 1.5 लाख के बदले में मैंने 5% उन्हें ज्यादा दिया है, मतलब 100 के बदले में 105 दिया है, तो 1.5 लाख के बदले में 5% ज्यादा दिया, मीन 7500 मैंने ज्यादा दिया, जिसे मैं बोलूंगी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इट मींस कि आपने 1.5 लाख उन्हें वापस नहीं किया, यू रिटर्न्ड देम 157,500। तो जब आप अपना आउटफ्लो दिखाओगे स्टूडेंट्स, यू विल बी राइटिंग प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड एट प्रीमियम, यू विल नॉट बी राइटिंग द फेस वैल्यू, यू विल बी एडिंग अप द प्रीमियम इन इट एंड यू विल बी राइटिंग दिस एग्जैक्ट अमाउंट 157,500। आपको बात समझ आनी चाहिए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मींस वी आर पेइंग देम समथिंग एक्स्ट्रा, 100 के बदले में 105, तो 1.5 लाख का 5% निकाल लो ना, दैट कम्स टू अस 7500। सो वी आर नॉट रिटर्निंग बैक देम ओनली 150,000, वी आर रिटर्निंग देम 157,500। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, बिकॉज इट इज माय एडजस्टमेंट, इट इज टू बी रिटर्न एट टू प्लेसेस, सो इट इज गोइंग टू बी योर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। वंस इट इज योर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वी यूज टू एड इट इन आवर प्रॉफिट इन द हेडिंग एड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये वहां पे एड होगा, यहाँ पे क्या बनना है, आउटफ्लो बनना है, एंड बीइंग एन आउटफ्लो इसे मैंने रिडेम्पशन की वैल्यू में एड करके लिखना है। जैसे प्रीमियम मैंने इक्विटी में एड करके लिखा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिमिलरली प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जितने की रिडेम्पशन हो रही है उसमें एड करके आपने लिखना है। और इंपॉर्टेंट बात और क्या है बच्चे, ये जो डिविडेंड था दिस वॉज ऑन इक्विटी, प्रेफरेंस के ऊपर भी मैंने डिविडेंड निकालना है, और प्रेफरेंस ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है, और प्रेफरेंस का डिविडेंड की परसेंटेज 10% साथ में प्रीफिक्स लगा हुआ है, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, इट मींस कि वो 10% डिविडेंड का रेट है। अब मेरे मन में फिर से डाउट है कि मैं ओपनिंग पे लगाऊं डिविडेंड की क्लोजिंग पे लगाऊं। उसने हमारे उस डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए बोला कि जो मैंने रिडेम्पशन करी है ना, ये जो 1.5 लाख की वापसी करी है, ये साल के एंड में करी है, इट मींस कि ये वाले लोग भी अपना डिविडेंड लेके जाएंगे क्योंकि साल के एंड में किया है, इसलिए आई विल बी कैलकुलेटिंग डिविडेंड ऑन माय ओपनिंग बैलेंस, नॉट ऑन क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, क्लोजिंग वैसे कितना है, 4 लाख, लेकिन ये जो 1.5 लाख की रिडेम्पशन हुई है करंट ईयर के एंड में हुई है, सो होल ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दे विल बी टेकिंग देयर डिविडेंड। जब मैं इसका डिविडेंड निकालती हूँ, दैट कम्स टू मी 55,000। तो दो तरह के डिविडेंड आए, वन डिविडेंड इज ऑन इक्विटी व्हिच ही हिमसेल्फ हैज गिवन टू मी, सेकंड डिविडेंड आई कैलकुलेटेड एंड आई टुक द बेस ऑफ ओपनिंग बैलेंस, मैंने ओपनिंग बैलेंस को बेस किया, क्योंकि रिडेम्पशन साल हैड द रिडेम्पशन इज एट द बिगिनिंग, मतलब 1.5 लाख आपने साल के बिगिनिंग में ही वापस कर दिया, तो यू विल बी कैलकुलेटिंग योर डिविडेंड ऑन द क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि उन्हें तो डिविडेंड मिलना ही नहीं है, दे हैव बीन रिडीम्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, सो कभी ऐसा भी आएगा दैट ही विल बी टेलिंग यू द बिगिनिंग डे फॉर द रिडेम्पशन। ठीक, तो दैट वे वी विल बी थिंकिंग अबाउट इट। आगे चलते हैं, जब मैंने डिबेंचर्स देखा तो डिबेंचर स्टार्टिंग में मेरे पास 3 लाख का है और एंड में ये 4 लाख का हो गया। आपको नहीं लगता डिवेंचर रेस करे गए हैं, 1 लाख के डिवेंचर रेस करे हैं, जब 1 लाख के डिवेंचर रेस करे हैं सो इट इज गोइंग टू बी माय इनफ्लो ऑफ कैश, डन। लेकिन डिवेंचर्स के ऊपर वो कह रहा है 12% इंटरेस्ट, मींस मैंने डिवेंचर इंटरेस्ट निकालना है, दिस इज हिडन एडजस्टमेंट, 10% प्रेफरेंस शेयर्स बैलेंस शीट में लिखा होना और 12% डिवेंचर्स बैलेंस शीट में लिखा होना, दीज टू आर माई हिडन एडजस्टमेंट्स, आई एम ट्रीटिंग देम ऑन माई ओन, कहीं पे भी एडजस्टमेंट में नहीं लिखा। So this is a rule. You have to give your preference shareholders a dividend. You have to give your debenture holders an interest. For these two, he is mentioning the percentages and he is using that percentages as a prefix. One for preference shares, another for debentures. So 12% के बारे में मेरे को फिर से doubt है, मैं opening पे लगाऊं क्योंकि opening और closing balance दोनों change है। इसका doubt भी उसने clarify किया, कहता जो नए debenture मैंने 1 लाख के raise करे हैं ना, साल के end में raise करे हैं। It means कि I am not going to give them interest for a day.
ये 31 मार्च को ही तो रेज हुए और 31 मार्च को ही मैं इंटरेस्ट निकाल रही हूँ, क्या मैं उन्हें इंटरेस्ट दूं? नो, दिस टाइम आई विल बी कैलकुलेटिंग माय डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन द ओपनिंग बैलेंस एंड द ओपनिंग बैलेंस गिवन इन द क्वेश्चन इज 3 लाख. सो माय डिबेंचर इंटरेस्ट कम्स टू मी 36,000. 3 लाख का 12% 36,000, क्योंकि नए वाले डिबेंचर साल के एंड में रेज हुए हैं तो उन्हें तो इंटरेस्ट मिलना ही नहीं है, तो हम ओपनिंग पे लगाएंगे ना कि क्लोजिंग पे लगाएंगे. सो हर एडजस्टमेंट को मैंने डीपली आपके साथ डिस्कस किया है. नाउ ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट आई विल बी राइटिंग इन माय फाइनेंसिंग एक्टिविटी. लेट्स सी हियर, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो. यहां तक किसी को कोई डाउट है? यू मे आस्क एनी डाउट टू एनीवन, एनी कंफ्यूजन यू मे आस्क. कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम विच एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी. मैंने हमेशा आपको सजेस्ट किया है पहले पॉजिटिव फिगर्स ही लिखिए, तो मैं पॉजिटिव. अगेन आई विल बी रीडिंग ईच एंड एवरी आइटम ऑफ माय बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट्स मेरे माइंड में चलेंगे. इक्विटी शेयर कैपिटल नई रेस हुई, 4 लाख से बढ़ के कितनी हुई? 525. सो इक्विटी शेयर कैपिटल रेज, इनफ्लो रेज. I will be writing the difference here, 1,25,000. Debenture भी नए raise किए थे, preference तो redeem है, और equity share capital के बारे में मैंने आपको क्या बोला था? Equity share capital हमारी कितने की है? SPR दे रखा है, yes. SPR देखो जरा कितना है. Third item देखो, वो हमने पढ़ा ही नहीं पहले. SPR starting में 1 लाख है और end में कितना हो गया? 225 बढ़ के हो गया. कहां से? 1 लाख से. इट मींस कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपका 1,25 से बढ़ा. तो जो नई शेयर कैपिटल आपने रेस करी है वो प्रीमियम पे रेस करी है. साथ में लिखो एड प्रीमियम. प्रीमियम बीच में एड करके लिखो 125 प्लस 125 250. तो आपका इनफ्लो ऑफ कैश हुआ. जैसे पहले क्वेश्चन में 10,000 था तो मैंने बोला था जितने की इक्विटी शेयर कैपिटल उसमें 10,000 ऐड करके लिखो. अब की बार प्रीमियम ही कितना है? 1,25,000. 125 की ही कैपिटल रेज करी, 125 ही प्रीमियम है, राइट? तो प्रीमियम बीच में ऐड करके मैंने साथ में लिख दिया एट प्रीमियम. डिबेंचर भी पॉजिटिव आना है 1 लाख. डिबेंचर्स रेज. अब नेगेटिव वाली सारी फिगर्स लिखेंगे और डिबेंचर रेज करे हैं 1 लाख. सबसे पहले इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी. डिविडेंड ऑन इक्विटी पेड that is 60,000. Negative में लिखो. Then we have preference shares. Dividend on preference shares paid. Dividend on preference shares paid. That is 55,000. Then debenture interest paid. 12%, 36,000. Debenture interest paid. That is 36,000. एक था हमारे प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करे थे, 5.5 लाख से कम होके 4 लाख हो गए, और वो जो 4 लाख रिडीम करे हैं 1.5 लाख बीच में से रिडीम करे हैं वो प्रीमियम पे करे हैं. 7,500 बीच में ऐड करना है. क्या लिखेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम एट प्रीमियम. अब सारी चीजें एक बार दोबारा से एट प्रीमियम रिवाइज करेंगे. 1,57,500. दिस इज ऑल्सो नेगेटिव. आई एम रिपीटिंग ईच एंड एवरी सेंटेंस अगेन. इक्विटी शेयर्स का बढ़ना ट्रीटेड हियर, पहली आइटम वही है. प्रेफरेंस शेयर्स का कम होना ट्रीटेड हियर विद प्रीमियम ऐड करके. हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड कर दिया इक्विटी में. डिबेंचर्स कम हुए वो कर लिया. डिबेंचर का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लिया. मेरे को लगता है ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट वी डिड. हाँ, जब मैं पॉजिटिव फिगर्स को ऐड करती हूँ वो 3.5 लाख बनता है. नेगेटिव फिगर्स करवाइए जी. 60 और 36 मैंने ऐड कर लिया. 55 एंड 157,500. नेगेटिव कम बनेगी शायद. 5, 12 और 6, 18, 1, 10, 10, 22. 3,08,500. 3,08,000. हाँ बिल्कुल ठीक है, मैच हो रहा है भाई. नेगेटिव फिगर इज 3,08,500. दोनों का डिफरेंस निकालिए, 41,500 ही आएगा. और पॉजिटिव इसके साथ आप लिखोगे क्या? कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो वी लर्नड दैट इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी वी आर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन योर बोरोड फंड्स एंड योर ओनर्स फंड्स. अगर बोरोड फंड्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, तो हम उनका आउटफ्लो दिखाते हैं, मींस आपने रीपेमेंट कर दी.
अगर बोरोड फंड्स बढ़ रहे हैं तो हम उन्हें इनफ्लो दिखाते हैं, मींस हमने नए फंड्स रेज करे, लाइक इट कैन बी डिबेंचर्स, इट कैन बी बैंक लोन। सिमिलरली अगर इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बढ़ती है तो वी ट्रीट इट एज इनफ्लो ऑफ कैश बिकॉज द कैश इज कमिंग, एंड इफ इट गेट्स रिड्यूस, इक्विटी कभी रिड्यूस नहीं होगी भाई, इफ प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस तो वी ट्रीट इट इट इज अ रिडेम्पशन। इन दोनों के अलावा दो चीजें आपने और याद रखनी है, व्हेन इज बैंक ओवरड्राफ्ट में चेंजेस होती हैं या कैश क्रेडिट में चेंजेस होती हैं, बिकॉज़ दो दीज आर योर करंट लायबिलिटीज बट वी ट्रीट देम इन योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दीज टू आर द एक्सेप्शनल केसेस, राइट। हाँ, अब पहली बार है, 35th क्वेश्चन है जिसमें दोनों एक्टिविटीज के आंसर उसने मेरे से पूछे हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ही इज टॉकिंग अबाउट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो हम दोनों एक्टिविटीज का आंसर निकालेंगे। सी 35th क्वेश्चन फ्रॉम योर बैक एक्सरसाइज, एवरीवन स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन ऑन योर ओन। थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन, पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करेंगे फिर फाइनेंसिंग पे जाएंगे, ठीक है। मेरे को लगता है शायद फिक्स एसेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा, मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया है क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है, राइट। हाँ, दिस इज 35th, सो फर्स्टली वी आर गोइंग विद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लेट्स प्रोसीड, देखो बच्चे क्या दे रखा है। यस, हमारे पास दोनों चीजें हैं क्वेश्चन में अवेलेबल, वन इज मशीनरी एंड अदर इज एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड आई टोल्ड यू व्हेनेवर द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द एसेट इज बीइंग गिवन इट इज प्रेफरेबल एंड इट इज सजेस्टेड टू प्रिपेयर एसेट अकाउंट एज वेल एज एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मैं पहले दोनों वर्किंग नोट्स में यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बनाऊंगी, कल सिखाया हुआ, एंड व्हेनेवर द मशीनरी अकाउंट वी प्रिपेयर एंड एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ऑल्सो गिवन वी ऑलवेज प्रिपेयर एसेट एट कॉस्ट एंड ही हिमसेल्फ इज गिविंग दैट कॉस्ट आई एम गिविंग यू सेपरेट। तो मैं कॉस्ट को ही लेके चलूंगी, डेप्रिसिएशन माइनस करके वैल्यू नहीं लिखूंगी, डेप्रिसिएशन के बिना वैल्यू लिखूंगी। तो दिस इज माई मशीनरी अकाउंट, दिस इज माई, इज इट विजिबल टू यू? यस, दिस इज आर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, डन। मशीनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जितना हो जाएगा इन्वेस्टिंग कंप्लीट करेंगे इस पीरियड में, देन वी विल कंटिन्यू इट इन, बिकॉज फिफ्थ एंड सिक्स्थ बोथ आर कंसेक्टिव पीरियड, सो फिफ्थ वी कैन यूज फॉर अकाउंटेंसी, सिक्स्थ वी विल डू बिजनेस स्टडीज, डन। कंटिन्यूशन में हो जाएगा हमारा। पहला कॉलम वंस अगेन इज ऑफ करंट ईयर एंड द सेकंड कॉलम इज ऑफ प्रीवियस ईयर, तो आप पहले प्रीवियस ईयर का लिखिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज 40,000, बाय बैलेंस कैरी डाउन दैट इज 50,000, एक्युमुलेटेड का ओपनिंग बैलेंस बाय वाली साइड पे आता है that is 10,000 and the closing balance is 12,000. Let's read the adjustment now. Kehta during the year ek asset tha jiski cost 6,000 thi, right? Sorry, 10,000 thi, was sold at a loss of 2,000. वैसे ना यहाँ पे cost word नहीं लिखना चाहिए था, इसको book value लिखनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। और कहता 10,000 वाली चीज को मैंने 2,000 के लॉस पे बेचा है, जब 2,000 के लॉस पे बेचा है इट मींस कि मैंने 8,000 में बेचा। अब पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया कि आपको सेलिंग प्राइस नहीं दे रखी, ही हिमसेल्फ इज सेइंग आई एम सेलिंग इट एट लॉस ऑफ 2,000, इट इज ऑब्वियस कि 10 में से 2 माइनस करके मैंने 8,000 में बेचा होगा, और नीचे जो डेप्रिसिएशन दे रखा है दैट इज अ डेप्रिसिएशन ऑन होल मशीनरी, सो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन सीधा एक्युमुलेटेड में जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। और क्योंकि ये डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी आप ऐड करोगे, डन। अब यहां पे बाय बैंक, पहले इसका देखते हैं 16, ये अब हाँ ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस आई वाज वेटिंग फॉर, ध्यान से सुनना। इस अब की बार क्या हुआ, उसने ओवरऑल मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन दिया है, सोल्ड पार्ट का नहीं दिया, तो सोल्ड पार्ट का डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना के आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी, यू विल बी कॉलिंग इट टू मशीन, और ये सोल्ड पार्ट का डेप्रिसिएशन है, ब्रैकेट में सोल्ड, ये पहली बार हमारी बैलेंसिंग फिगर आई। मैंने बोला था ना इसको यहाँ पे बुक वैल्यू लिखनी चाहिए, तो बुक वैल्यू मैं निकालूंगी, 10,000 की चीज है, 4,000 डेप्रिसिएशन है इस पे, मैंने बैलेंसिंग पहले मैंने डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज किया, 4,000 डेप्रिसिएशन है, वैल्यू कितनी बची 6,000, वो कहता 6,000 वाली चीज को मैंने 2,000 के लॉस पे बेचा, इट मींस कि आई सोल्ड इट फॉर 4,000, ये सारी कहानी उसने नहीं दी, आई जस्ट मेड इट ऑन माय ओन, सो यू आर सेलिंग इट फॉर 4, डेप्रिसिएशन भी 4 है,
by accumulated depreciation 4, by loss 2. अब इस अकाउंट को क्लोज करेंगे. सो दिस इज 10, 60, 20. 20,000 की आपने मशीन खरीदी है टू बैंक. दिस इज आउटफ्लो. तो यहां पे क्या हुआ, सेल ऑफ मशीनरी. चेक करना जरा आंसर इन्वेस्टिंग का. 4,000 पॉजिटिव, परचेज ऑफ मशीनरी 20,000 नेगेटिव. 16,000 आंसर होना चाहिए और नेगेटिव यूज्ड. देखो इन्वेस्टिंग का, हाँ सेल ऑफ मशीनरी 4,000 हमारा मैच कर रहा है, बिल्कुल ठीक है. कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 16,000. आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कभी भी कॉस्ट का कंपैरिजन सेलिंग प्राइस से नहीं होता. एवरी टाइम वी नीड टू कैलकुलेट बुक वैल्यू. अब क्वेश्चन में सिर्फ कॉस्ट थी और उसने डेप्रिसिएशन टोटल एसेट पे दे रखा था. आगे हमेशा वो डेप्रिसिएशन सोल्ड पार्ट का देता है, तो जो उसने टोटल पे दे रखा वो मेरा बाय डेप्रिसिएशन आएगा, ठीक है. और उसने बोला कि 10,000 कॉस्ट है इस अकाउंट ने. पहले मैंने इस अकाउंट को क्लोज किया, इस अकाउंट में से मेरे पास सोल्ड का डेप्रिसिएशन आया, तो मैंने 10,000 में से वो 4,000 पहले माइनस किया, ये बुक वैल्यू आई. वो कहता है आपने एसेट को 2,000 के लॉस पे बेचा है, बुक वैल्यू पे लॉस होगा. सो 2,000 लॉस आई डिडक्टेड. हाउ मच आई सोल्ड फॉर? 4,000. सो बाय बैंक हुआ 4,000. यही आपका इनफ्लो ऑफ कैश हुआ. जब मैंने ये पुट किया तो बाय एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां से बैलेंसिंग फिगर आई. लॉस उसने खुद दे रखा है बाय लॉस 2,000, जो आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की तरह ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड भी होगा. सो सारा कुछ कर करा के यू आर गेटिंग द बैलेंसिंग फिगर 20,000, राइट. रेस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक फाइनेंसिंग एक्टिविटी वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पीरियड.